हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में जो गाड़ी देख रहे हो ये अपनी किया सेल्टॉस की एक्स लाइन वेरिएंट, मतलब किया सेल्टॉस का अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ सबसे टॉप वेरिएंट आता है। मतलब अभी तक तो इसमें कोई अपना और कोई एडिशन वगैरह किया ने निकाली नहीं है, तो तभी तक तो अपनी यही वाली टॉप चल रही है। मतलब सबसे जो बोलते हैं सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट यही आता है इस टाइम किया का सेल्टॉस में। और बाद में अगर किया मतलब कोई स्पेशल एडिशन वगैरह निकाल देता है गाड़ी की तो वो अलग बात है, कोई वो वाला वेरिएंट बन सकता है टॉप वेरिएंट इसका। मगर अभी तक तो फिलहाल अभी फिर यही चल रहा है अपना जो मतलब सबसे टॉप ऑफ द वेरिएंट है। और मेन चीज़ इसकी जो अट्रैक्शन पॉइंट लग रही होगी कि इसमें मतलब जो अपना पेंट क्वालिटी होती है वो रिफ्लेक्शन ही दे रही है, तो वो सारा भी आज की वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं स्टार्ट अपने फ्रंट लुक से। तो सबसे उससे पहले मैं बता दूँ इसका जो अपनी पेंट क्वालिटी यह मिलता है अपना मैट फिनिश में। मतलब अगर ये वाला ऑप्शन हम लेते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन ही सिर्फ मैट का आता है, इसमें ग्लॉसी वगैरह का पेंट नहीं मिलता। तो ग्लॉसी का अगर मैं बताऊँ तो वो थोड़ी रिफ्लेक्शन वगैरह देता है, ये जो अपना मैट फिनिश का पेंट होता है ये कोई भी रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं देता। हालांकि इसमें थोड़े मतलब छोटे छोटे जो पर्ल्स वगैरह होते हैं वो इसमें होते हैं, मगर इसमें कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं दिखती। तो अगर मैं यहाँ से साइड से दिखाऊँ तो ये छोटे छोटे इसमें पर्ल्स दिए होते हैं, इनकी थोड़ी बहुत ही रिफ्लेक्शन होती है मगर इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ग्लॉसी की होती है। उसके बाद बता दें ये अपना ऑटोमेटिक डीजल है 6 स्पीड वाला। और अगर मैं फ्रंट से बात करूँ तो कंपनी ने इसमें मतलब जितना कम से कम क्रोम का यूज़ किया हुआ है। तो फ्रंट से अगर मैं स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अपना नया जो अपना किया का लोगो वो मिल जाता है। उसके बाद अपना जो बोनट है वो मतलब वही अपना मैट फिनिश में पेंट मिल जाता है, ऐसा कुछ किया का लोगो दिखता है। और उसके बाद जो किया की मतलब सिग्नेचर ग्रिल आती है वो अपनी कुछ इस टाइप में दिखती है, मगर ये थोड़ी सी अपनी ब्लैक में आती है। और ये अगर मैं ग्रिल की बात करूँ तो ये ग्लॉसी में आती है, इसमें अपना मैट का यूज़ नहीं किया हुआ है। और यहाँ मतलब थोड़े थोड़े ऐसे ग्रूव्स वगैरह बने हुए हैं और ये पूरा यहाँ से शुरू होता है। और इसमें अपनी जो LED मतलब डे टाइम रनिंग लाइट है वो ये यहाँ से लेके यहाँ एंड तक पूरी जाती है। और इसमें इस टाइप की जिसकी हेडलाइट वगैरह आती है, यहाँ पे अपना इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट है और ये अपनी पूरी हेडलाइट है। नीचे की साइड अगर मैं बात करूँ तो इसमें मतलब ट्राइव बीम जो अपने फॉग लाइट होते हैं वो आते हैं, जो कि यहाँ पे ऐसे दिख रहे होंगे, मतलब 3 लाइटें होती हैं। और ये अपना थोड़ा मैट फिनिश में आ जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसमें फ्रंट में भी जो अपने पार्किंग सेंसर है वो मिल जाते हैं, 1, 2, 3 और 4, मतलब 4 इसमें फ्रंट के मिल जाते हैं। उसके बाद इसका इसमें गाड़ी में मतलब अपना जो 360 डिग्री कैमरा आता है उसका फ्रंट कैमरा यहाँ पर दिया हुआ है, जब इस टाइप का दिखता है। और नीचे की अगर साइड में बात करूँ तो यहाँ पूरी गाड़ी में जैसे मतलब टॉप जो स्पोर्ट्स वगैरह वेरिएंट होते हैं यहाँ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होते हैं उनमें थोड़ी मतलब रेड वगैरह की फिनिशिंग दी होती है। ये रेड नहीं है, थोड़ा ऐसे ऑरेंज टाइप का है। और ये अगर थोड़ा रेड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ये थोड़ा ऑरेंज वगैरह की फिनिशिंग देता है। और फ्रंट से ओवरऑल कुछ इस टाइप की लुक आती है गाड़ी की। अगर इस गाड़ी के मैं इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 1.5 CRD जो कि 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और ये गाड़ी आती है अपनी फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ 6 गियर का, जिसको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो 6 गियर का आता है। और इसमें मतलब टर्बो चार्जर के साथ ही इंजन आता है। उसके बाद यहाँ पे अपनी ये सेंसर वगैरह मिल जाते हैं, रेंज सेंसिंग और राइट के वाइपर। वाइपर इसमें अपने जो नॉर्मल हर गाड़ी में आते हैं वही आते हैं, इसके जो वॉशर वाले आते हैं वो थोड़ी नीचे की साइड आते हैं, वो एक यहाँ पे एक वहाँ पे। तो ये तो बातें होगी सारी इसकी इंजन की, अब चलते हैं इसके थोड़े साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में सबसे जो मतलब मेन अट्रैक्शन पॉइंट होता है सारे गाड़ियों का, तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। अपना डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाता है जो कि आता है अपना JK टायर का, तो मतलब ठीक है कंपनी वाले मतलब अच्छी ब्रांड का थोड़ा टायर वगैरह दे रहे हैं। और फ्रंट में इसके डिस्क जो अपनी डिस्क प्लेट है वो तो आती है, पीछे भी इसमें डिस्क ऑप्शन आता है। और अगर इसके मैं टायर साइज़ की बात करूँ 215/55R18, मतलब 18 इंच का इसमें टायर मिल रहा है जो कि मतलब गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे अपना ऑटोमेटिक की बैजिंग मिल जाती है, ये अपना कुछ इस टाइप का जो अपना साइड मिरर है वो मिल जाता है। यहाँ पे अपना क्रोम की फिनिशिंग, और ये जो अपना देख रहे हो ये थोड़ा मतलब ग्लॉसी में आता है, ये जो अपना मिरर होता है यहाँ पे अपनी जो इंडिकेटर की प्लेसमेंट है वो यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप के इसके अपने जो रेन वाइजर है वो मिल जाते हैं, जो कि मतलब ऊपर से क्रोम वगैरह लगते हैं, ये अपने कंपनी से इंस्टॉल किए हुए हैं। ये वाला जो क्रोम है ये अपना कंपनी से आता है, मतलब जो प्लांट से गाड़ी आती है ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक। उसके बाद इसके जो पिलर्स वगैरह ये सारे मैट फिनिश में मिल जाते हैं। यहाँ पे दिखाऊँ तो ये थोड़े ऐसे मैट में रैप किए हुए हैं, पीछे की साइड अगर मैं इस वाले पिलर की बात करूँ तो ये भी अपना मैट में रैप है। यहाँ पे छोटा सा इसका क्वार्टर पैनल वगैरह दिख जाता है। तो अगर मैं पीछे की साइड से बात करूँ तो पीछे से मतलब इसका ये जो अपना स्पॉइलर वगैरह ये सारा कंपनी से आता है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा मतलब अपना पियानो फिनिश में आता है, ये जो अपना मतलब जो अपनी गाड़ी की बॉडी ये आती है उसके ऊपर ये लगा हुआ है। उसके साथ साथ पीछे इसमें हाई स्टॉप लैंप आया था यहाँ पर। और पीछे के अगर मैं शीशे की बात करूँ तो इसमें अपना रियर डिफॉगर वाइपर और अपना वॉशर फ्लूइड उसके साथ आता है। ऊपर इसकी तरफ एक शार्क फिन एंटीना, वही शार्क फिन एंटीना के साथ साथ इसमें जो अपना रूफ स्पॉइलर है ये इंटीग्रेटेड आता है, मतलब इसमें आफ्टर मार्केट नहीं कोई मतलब वो झंझट वगैरह नहीं होता, इसमें अपने नट बोल्ट से टाइट हो जाते हैं पूरा। इसकी जो टेल लाइट है वो कुछ इस टाइप से दिखती है, अपना पूरा जो LED वाला सेटअप है वही आता है इसमें, ये रिवर्स वाली अपनी जो लाइट है वो जाती है। इसमें अपना इंडिकेटर, यहाँ पे अपना रिफ्लेक्टर आता है, यहाँ पे अपनी एक्सलेंट की बैजिंग, और यहाँ पे अपना किया का लोगो आता है। और यहाँ से पूरी ये जो अपनी जैसे कि एक्स लाइन है तो इसमें ये पूरा अपना जो क्रोम वाला पार्ट है ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है। नीचे की साइड इसका कुछ हिस्सा का लुक आता है, अपना ऑरेंज की फिनिशिंग और नीचे से थोड़ा सी पियानो की फिनिश मतलब पियानो ब्लैक की फिनिशिंग आती है। और यहाँ पे थोड़े ऐसे मतलब थोड़े एग्जॉस्ट वगैरह के ऐसे मतलब थोड़े डिज़ाइन वगैरह दिए हुए हैं।
ओवरऑल पीछे से गाड़ी की शीशे से लुक आती है। तो अब चलते गाड़ी के अंदर और गाड़ी से बताते हैं। उसके पहले बता दूँ इसका अपना कीलेस एंट्री वगैरह का ऑप्शन आता है और की इसकी कुछ शीशे से आती है लॉक अनलॉक, और ये अगर हम दबा के रखेंगे तो इसका जो पीछे वाला अपना बूट है ये भी अनलॉक हो जाता है। तो फिर इसको हम खोल के ऊपर एसेस वगैरह कर सकते हैं। ऐसा कुछ इसका बूट स्पेस आता है 60-40 की। इसकी जो अब फ्रंट की ये बीसी सीट है ये वाली स्प्लिट हो जाती है और इसकी बूट साइज़ ऊपर आ रहा होगा कहीं यहाँ पे। अपना इसका जो सबवूफर है वो आता है 8 स्पीकर का। इसमें अपना जो बोस का म्यूज़िक सिस्टम है वो आता है जिसमें मतलब ट्यूटर सबवूफर और स्पीकर वगैरह सारे आते हैं। उसके बाद अगर मैं अंदर से बात करूँ तो सबसे पहले इसका ये डोर वगैरह आता है। तो गाड़ी का अगर मैं डोर की बात करूँ तो ऐसा कुछ इसका डोर दिख जाता है। यहाँ पे अपने ट्विटर की प्लेसमेंट, यहाँ पे अपनी जो स्पीकर आता है बोस का, यहाँ पे बोस की ब्रांडिंग भी दिखी है। तो यहाँ पे अपना बोस के स्पीकर और इनकी क्वालिटी वगैरह बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिल जाती है इनकी। यहाँ पे अपने लेदर में ये जो हैंडल है और यहाँ से ऊपर से ये पूरा अपने लेदर में रैप मिलता है ब्लू कलर में। यहाँ पे अपने सारे विंडोज़ के कंट्रोल और यहाँ पे अपने जो मिरर है ये भी फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाले मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट वाली सीट मिल जाती है। तो इसको एक बार पूरी पीछे करके अंदर से दिखाते हैं तो ये पूरी पीछे जाएगी। तो ऐसे कुछ इसकी गाड़ी की सीट कवर्स वगैरह दिख जाते हैं अंदर से, ये भी अपने कंपनी से लिए हुए हैं। उसके बाद जैसे ही अंदर घुसते हैं तो इसके ये जो अपने पैडल्स वगैरह हैं ये थोड़े से मेटल टाइप में मिलते हैं और ऐसा कुछ इसका आर्मरेस्ट दिख जाता है पूरा ब्लैक कलर में। और अंदर स्पेसिंग वगैरह की बात करूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पे अपनी हैंड ब्रेक आती है, यहाँ पे अपने दो कप होल्डर, उसी के साथ साथ ऐसा कुछ इसका सेंटर का मतलब पूरा कंसोल वगैरह देखते हैं जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है गाड़ी अंदर से। ये अपना मतलब बटन वगैरह रहता है गाड़ी गियर को डाउन करने के लिए। यहाँ पे अपना बैजिंग वगैरह दिख जाती है जो मतलब कौन सा गियर वगैरह लगाना है। उसी के साथ साथ इसमें वेंटिलेटेड सीट है, ये अपनी इस साइड की वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन है ये वाली इस साइड के। ये अपना 360 व्यू कैमरा है और ये अपने फ्रंट जो पार्किंग सेंसर है वो ऑन ऑफ करने के बटन यहाँ पे दिख जाते हैं। ये अपने कंट्रोल्स वगैरह रहते हैं ड्राइविंग कंट्रोल्स, तो ये इसको ऐसे घुमा के या दबा के भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी थोड़ी स्पेसिंग वगैरह रहती है यहाँ पे। इसी के ऊपर ये देखोगे यहाँ पे अपना जो मतलब वायरलेस चार्जर होता है ये मिल जाता है। और नीचे की साइड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक USB पोर्ट और एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। और इसमें अपना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह आता है, इसमें ये सारे ऑप्शन वगैरह इसके यहाँ पर दिखते हैं। और इस गाड़ी को एक बार मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ऐसा कुछ इसका मतलब इंटरफेस वगैरह दिखता है। तो यहाँ से दिख रहा होगा ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है। ये साइड में अपने एनालॉग मिलते हैं, बीच में अपना ये थोड़ा डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है बीच में अपना, और ये अपनी जो स्क्रीन है ये कुछ इस टाइप की दिखती है। यहाँ पे अपना जो ये अपनी स्क्रीन है इसका जिसमें मतलब अपनी पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिखाती है। तो ये यहाँ पर दिख रही होगी थोड़ी सी 0 किलोमीटर है, तो रात को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे अपना ये जो स्पीकर अपना जो सबवूफर है वो मिल जाता है। उसी के साथ साथ इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये अपना ऑटोमेटिक आता है IRVM जो मतलब रियर व्यूइंग मिरर। उसी के बाद गाड़ी का एक बार अगर मैं सनरूफ खोल के बताऊँ तो ऐसा कुछ इसका सनरूफ मिलता है वैसे अगर पूरा पीछे जाएगा तो। वैसे अगर मैं बताऊँ तो सनरूफ की हाइट थोड़ी सी छोटी है मगर ठीक है मतलब हिसाब से गाड़ी के। अगर मतलब पैनोरामिक सनरूफ होता क्रेटा की तरह तो वो ज़्यादा बेटर रहता। यहाँ पर अपना पूरा जो अपनी लाइट है ये अपनी LED वाली आती है। और वहीं यहाँ पर अपना एक सनग्लास होल्डर आता है। इस साइड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ मिरर आता है, लाइट वगैरह का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अपना मिरर भी नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर है। और ऐसा कुछ इसका ओवरऑल इंटीरियर दिखता है गाड़ी का। और ये इसकी सनरूफ दिख जाती है कुछ इस टाइप की, और बैक साइड के डोर पैनल कुछ इस टाइप का डिज़ाइन वगैरह दिख जाता है। यहाँ पे अपने जो शेड्स वगैरह ये आते हैं, वैसे देते तो ये कंपनी वाले हैं मगर कई बार इस पर भी चलाने होते हैं जब पुलिस वाले मतलब ऊपर लगाए हों तो पुलिस वाले सुनते नहीं है। मतलब यहाँ पे अपना सिर्फ एक सिंगल जो अपनी विंडो है उसका कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे अपना स्पीकर आता है, इसका ट्विटर वगैरह नीचे मिलता है। और ऐसी कुछ इसकी अपनी वाटर होल्डर और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग मिल जाती है। तो अभी फ्रंट वाली सीट में अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, ये पीछे मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो अगर मैं स्पेस वगैरह बताऊँ तो गाड़ी मतलब सनरूफ खुलने के बाद ज़्यादा ऐसे स्पेशियस वगैरह दिखती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसे खुली खुली सी गाड़ी दिखती है। और इस टाइप के इसके कुछ हेडरेस्ट वगैरह आते हैं काफ़ी छोटे छोटे से हैं जिनका मतलब डिज़ाइन वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और पार्सल ट्रे वगैरह कुछ इस टाइप की दिख जाती है। और ये अपना छोटा सा क्वार्टर पैनल। और यहाँ पे अगर मैं हेड आर्म रेस्ट की बात करूँ तो ये इसमें दो कप होल्डर आते हैं, पीछे की साइड इसमें ये अपना एयर प्योरीफायर आता है। और ये अपने थोड़े AC के वेंट वगैरह, यहाँ पे अपना चार्जिंग का सॉकेट, यहाँ पे अपनी थोड़ी कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे अपना थोड़ा मतलब जो फाइल वगैरह होता है वो रख सकते हैं। और पीछे से अगर मैं गाड़ी के लुक को बताऊँ तो कुछ इस टाइप से दिखती है जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी दिखती है अंदर से। और अगर इसकी मैं बस एक चीज़ इसमें ख़राब है, इसकी बिल्ड क्वालिटी, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी जैसे आपने भी देखा होगा कि मतलब किया सेल्टॉस की बिल्ड क्वालिटी जो इसकी NCAP की रेटिंग आई थी वो कुछ इतनी खास नहीं थी। मगर अब मैं बताऊँ तो इसमें 6 एयरबैग वगैरह थे तो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब जो अपनी बिल्ड क्वालिटी वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे कि 6 एयरबैग आ रहे हैं और भी मतलब ABS वगैरह EBD वगैरह आते हैं इसमें, तो वो चीज़ भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है गाड़ी के लिए, मतलब
और उसी के साथ साथ इसके जो पीछे वाले टायर हैं उसमें भी अपनी डिस्क ब्रेक मिल जाती है। तो मतलब सेफ्टी वगैरह अगर इस वेरिएंट की बात करूँ तो इस वेरिएंट में थोड़ी सी ज़्यादा ही है, क्योंकि इसमें 6 एयरबैग वगैरह आ रहे हैं। तो जिनकी मैं अगर बैजिंग वगैरह दिखाऊँ तो यहाँ पे दिख रहे होंगे एयरबैग फ्रंट के 2, यहाँ के 2, ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो 6 एयरबैग मिल जाते हैं गाड़ी में। और ऐसा कुछ इसका इंजन दिख जाता है, ये अपना CIDA इंजन है और मतलब काफ़ी बड़ा बड़ा सा इंजन लग रहा है। और इसके अगर मैं बोनेट की बात करूँ तो है तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मगर फिर भी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मतलब इतनी खास है नहीं है जैसे इसकी NCAP की रेटिंग आई थी। तो इसका डिटेल रिव्यू भी चैनल में डालेंगे, अभी फिलहाल ये बस मतलब जो बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन था वही था गाड़ी का, और इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू भी जल्दी डालेंगे। तो ये थी कुछ आज की वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। Let's go.